नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रे मैटर्स बॉट में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप गिटहब का टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस क्या है। कि आजकल क्या हो रहा है कि जो हीरोकू वेबसाइट थी, हम पहले तो उस पर होस्ट कर लेते थे और उसके अंदर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को डाल देते थे तो हमारा बॉट रन हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि हीरोकू तो बंद हो गया, तो मोस्टली यूज़र्स को जो आपके बॉट हैं वो रन करने पड़ रहे हैं। किसके अंदर? VPS के अंदर। तो VPS पर रन करने के लिए आपका जो रैप है वो उन यूज़र्स को अपनी पब्लिक करनी पड़ रही है, और पब्लिक करने की वजह से उनके जितने भी कॉन्फिग वगैरह होते हैं वो सारे पब्लिक हो जाते हैं और लीक हो सकते हैं वो। तो आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो लीक हो सकते हैं। तो इसी के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने आपको एक मेथड बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी प्राइवेट गिटहब रिपोजिटरीज़ को VPS के ऊपर क्लोन कर सकते हैं बिना उन्हें पब्लिक करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा एक दूसरा अकाउंट है सेकेंडरी, और इसके अंदर काफ़ी सारी रेपोज मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं। तो यहाँ पे जितनी भी रेपोज हैं वो सारी लगभग प्राइवेट हैं। तो ये मेरा एक बॉट है, मल्टी यूज़र API प्रो शॉर्टनर वाला बॉट, जिसके ऊपर मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाई हुई है। इसकी जो रेपो है वो प्राइवेट है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेपो यहाँ पे प्राइवेट है। अब मैं आपको यही रेपो, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्लोन करूँ, मैं एक बार अपने जाता हूँ VPS पे और इसे कनेक्ट करता हूँ, और अगर मैं इसके अंदर इसे कनेक्ट करके मैं इसे गिट क्लोन करके इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ रेपो को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नहीं कर पा रही है, ठीक है, परमिशन डिनाइड। मैं यहाँ पे सूडो सू करके भी दिखा देता हूँ आपको, गिट क्लोन, और मैंने ये लिंक यहाँ पे पेस्ट किया, और देखो ये यहाँ पे गिट क्लोन मैंने टेस्ट के नाम से इसे एक फोल्डर नाम दे दिया, और मैं इसे क्लोन करने की कोशिश करूंगा। तो ये आपसे पूछेगा यूजर नेम आपका गिटहब का, और अगर आप यहाँ पे डाल भी देंगे तो ये जो मेथड है वो पुराना हो चुका है, ये वर्क नहीं करेगा। तो इसकी जगह बार बार ऐसे आपको ना करना पड़े, अपनी रेपो को पब्लिक ना करना पड़े, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, आपको जाना है यहाँ पर 3 डॉट्स पे, और आपको जाना है गिटहब की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर सेटिंग्स का, आपको यहाँ पे डेवलपर सेटिंग्स में आना है, और फिर आपको यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है, और टोकन क्लासिक आपको चूज करना है, और फिर आपको जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करना है, और आपको जनरल यूज के लिए हमें टोकन जनरेट करना है, और आपको आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसे दे देता हूँ टेस्ट वीडियो, नाम दे दिया। एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, नो एक्सपायरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बार बार टोकन ना बनाना पड़े, और उसके बाद आप इसमें सेलेक्ट कर लें सारे स्कोप्स को। ध्यान रखें कि आप यहाँ पे सारे स्कोप्स को सेलेक्ट कर लें, कोई भी रहना जाए, और इसके बाद आपको जनरेट टोकन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जो आपका एक्सेस टोकन है इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं बताता हूँ किस तरह से यूज करना है। तो यही जो मेरी रेपो थी, तो ये जो मेरे रेपो का लिंक था, ये मेरी रेपो का लिंक था। आपको क्या करना है, इसमें गिटहब जहां पे लिखा हुआ है इससे पहले आपको लगाना है गिटहब से पहले @, और @ के पहले आपको इस गिट टोकन को एंटर कर देना है। अब इस लिंक के साथ अपनी रेपो को आप क्लोन कर पाएंगे, किस तरह से मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं वापस इसके अंदर गया, अब मैं यहाँ पे गिट क्लोन यूज करूंगा, गिट क्लोन, और आपको ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना, और जिस डायरेक्टरी में आपको डालना है उसकी लोकेशन डाल देनी है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी रेपो यहाँ पे क्लोन हो चुकी है सक्सेसफुली। देख सकते हैं आप, मेरी रेपो इसके अंदर क्लोन हो चुकी है। तो इस तरह से ये गिट टोकन वर्क करता है, जो कि काफ़ी यूजफुल है और आपके बहुत काम आएगा अपनी जो आपकी प्राइवेट रेपोज हैं उन्हें बचाने में। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।